कोरोना का असर कम होने के बावजूद कोरोना गाइडलाइन की पाबंदियों से कोचिंग नगरी समेत पूरे प्रदेश भर का होटल उद्योग वेंटिलेटर पर है। हताश और निराश होटल उद्यमी सरकार से सकारात्मक आशा की किरण नहीं मिलने से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कोटा होटल फेडरेशन के अध्यक्ष नीरज त्रिवेदी ने मंगलवार को राज्य सरकार एवं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से गुहार लगाते हुए होटल उद्योग को राहत देने की मांग की है। त्रिवेदी ने बताया कि देश की जीडीपी का 10% हिस्सा होने के बावजूद होटल इंडस्ट्री पर पाबंदियों के चलते परेशानी झेल रही है। इस समय सरकार की कुछ रियायतें, मदद और छूट मिल जाती हैं तो आने वाले कुछ महीनों पर यह व्यवसाय फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। साल से जो कोरोना काल चला आ रहा है, अब वापिस से होटल लाइन थोड़ा सा पटरी पे आई है तो काफी सारे नोटिस, जीडी टैक्स के नोटिस नगर निगम से आ चुके हैं, फायर के एनओसी के नोटिस आ चुके हैं। आज हम चाहते हैं जैसे कि ये दो साल से यूनिट टैक्स जो कोरोना काल का जो नगर निगम हमें भेजा गया है नोटिस के थ्रू, वो हमें माफ किया जाए। उस टाइम पर तो हमारी होटल इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई थी। हम धारीवाल माननीय श्री धारीवाल जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि दो साल का जो टाइम लॉकडाउन का रहा था उसका जो यूनिट टैक्स का है वो सारे होटल कर्मियों को माफ किया जाए।